GoPro की वीडियो नहीं देखोगे ना तब तक मजा नहीं आएगा। ये अगर आप लेते हो इसके साथ साथ आपको इसका चार्जर भी लेना पड़ेगा अलग से। हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल HRK। लॉकर में हमारा कुछ सामान था, है भाई है अंदर ही है। लॉकर वापसी बंद कर देते हैं, हमारा अपना नहीं होता। वो आपका आसान वर्कआउट करते हुए नजर आ रहा है, इसका वर्कआउट हो जाए फिर मैं निकलूंगा। पीछे आपको बाबर भाई नजर आ रहे होंगे जो कि आखिरी वर्कआउट कर रहे हैं और छुपने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल हमारे व्लॉग में आना पसंद नहीं कर रहे होते क्योंकि सब इनको देख रहे होते हैं, इसलिए हम दिखाएंगे। ये देखो ये रे बाबर भाई 11 बजने वाले, 11 बजे पूरा बंद हो जाता है जिम। 10 बजे मेरा ऑफिस का ऑफ है, 11 बजे मेरा जिम का ऑफ है और अब निकलेंगे घर। अभी हुआ ये, बाबर भाई ने मेरी चीखें निकलवाई है, मेरा वर्कआउट पूरा हो चुका था, इसकी भी चीखें सुनना चाहता हूँ मैं। चलो आवाज नहीं निकली पर दर्द हुआ, दर्द होना चाहिए। शाबाश शाबाश बाबर भाई, आपको भी करवाना है? नहीं। अच्छा ये क्या बात है, हमें करवा दिया खुद नहीं कर रहे। ये देखो बाबर भाई लेडो भी लेकर आए थे खेलने के लिए लग लेडो ही रहे। हमारे ट्रेनर ना पूरा प्रॉपर तरीके से आते हैं, बैग वैग सब सच के भाई। चलो जी बाय बाय। A few moments later. आज के दिन का यहाँ पर एंड करेंगे, सुबह मिलूंगा मैं आपसे क्योंकि अभी बच्चे के साथ खेलूंगा मैं। इसको जिद कर रहा है क्योंकि इसको वॉक करनी है और माशाल्लाह चलने सीख रहा है तो थोड़ी बहुत मेहनत तो हमें भी करनी है। बहरहाल कल सुबह निकालेंगे हम GoPro और उससे व्लॉगिंग करके देखेंगे व्लॉगिंग कैसे होती है। रुको जरा, GoPro से व्लॉगिंग किस तरह से की जाती है और क्या क्या किया जाता है। ये मेरे पास आप लोग GoPro नज़र आ रहा है, इस GoPro को मैंने इसकी ही ऑफिशियली साइट से मैंने मंगवाया था। ये GoPro नज़र आ रहा है, इसका मीडिया माउस भी आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहा है, इसका ये ट्राईपोड भी नज़र आ रहा है आप लोगों को, और सबसे मेन चीज़ ये GoPro 10 है। 11 जो अपडेट वाला आया है अभी रिसेंटली, एक डेढ़ महीना हुआ है अपडेट वाला आया है GoPro 11, बट जब मैंने फीचर्स निकाले तो मैंने बोला इतना ज़्यादा मसला नहीं है। GoPro 10 अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वेल एंड गुड है। ट्राईपोड का फ़ायदा ये क्या है, ट्राईपोड आपको जो नज़र आ रहा है यहाँ सर, अगर मैं इसकी क्लिप खोलूँ ना, ये ट्राईपोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वाला ट्राईपोड है GoPro का। खास तौर पे नॉर्मली मैंने ट्राईपोड इतने अच्छे देखे नहीं है, बट GoPro वालों ने बड़े ज़बरदस्त ट्राईपोड निकाले हैं। अगर मैं इसके साथ ब्लॉगिंग करना चाहूँ ना तो उस तरह से कुछ मैं ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर इसको प्ले ही करता हूँ और आप लोग अगर देखना चाहो तो यहाँ से आप लोग कुछ देख सकोगे कि मैं ये जो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ ये मैं इतने वाइड में आ रहा हूँ ब्लॉगिंग ना, और मैंने आराम से कैरी करा हुआ अपना ट्राईपोड और मज़े से मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो ये इसका एक फ़ायदा है इस ट्राईपोड का। इस ट्राईपोड को मैं यहाँ पर करता हूँ बंद, सॉरी इस कैमरे को करता हूँ यहाँ पर मैं बंद और इस ट्राईपोड को भी करता हूँ क्लोज, क्योंकि आज ये वाली ब्लॉगिंग तो हम करेंगे ही करेंगे, इसके साथ साथ जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट वाली ब्लॉगिंग है मोटो ब्लॉग वाली ब्लॉगिंग वो आज करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वेट, सो ये आ गया हमारे पास मोटो ब्लॉग का हेलमेट। इस हेलमेट को मैंने परचेस करा था आज से तकरीबन 1 ईयर्स पहले, और इसके साथ मैंने बहुत जुगाड़पन करा है क्योंकि इसका जो ऑफिशियली माउथ आता है ना वो बड़ा मज़ेदार नहीं है, तो इसके साथ कुछ जुगाड़ होता है जो कि मैंने कुछ इंडियन ब्लॉगर्स हैं इनको देखा तो उनसे सीखा, तो ये कुछ जुगाड़ था ये करा। बहरहाल अभी तो मुझे हेलमेट भी चेंज करना है क्योंकि इसमें ना विंड्स बहुत ज़्यादा आती है, वॉइस डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस हेलमेट को भी चेंज करेंगे। बट आज इस हेलमेट में ही ना एक्सपेरिमेंट करेंगे नया और मोटो ब्लॉग आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि GoPro की टेस्टिंग करनी है ना तो आप लोगों को ऐसे मज़ा नहीं आएगा जब तक GoPro की वीडियो नहीं देखोगे ना तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो अब जो बिल्कुल आगे चलेगी ना वीडियो वो सारी GoPro की वीडियो होगी, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी से इसको यहाँ पर फिक्स करते हैं और निकलते हैं मोटो ब्लॉग की तरफ, आप लोगों को मोटो ब्लॉग दिखाते हैं। यार आपस की बात है, मैंने अभी सिनेमेटिक में शूट तो कर लिया है पर मैंने अभी देखा ना तो बहुत ज़्यादा मेरा फेस ऑयली हो रहा था, इतना था नहीं जितना सिनेमेटिक में दिखा दिया है। चलो नेवर माइंड, देख लिया सो देख लिया है, अगली बारी में ख्याल करेंगे। जानता नहीं कोई, मैं थक भी जाता हूँ फिर भी तोड़ने में। हाय हाय हाय, तो कर दो आज आप लोगों को GoPro से थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग करके दिखाते हैं कि कोई अगर GoPro से ब्लॉगिंग करना चाहे तो कैसी कर सकता है। बात कुछ ऐसी है कि धूप बहुत ज़्यादा है, टाइम सुबह के 12 बज रहे हैं, तकरीबन 1 बजे पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, तो उससे आपको डेट की अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आज डेट क्या है। तकरीबन 1 बजे पाकिस्तान इंडिया का मैच भी होगा, तो उससे आपको डेट की अंदाज़ा भी हो जाएगा कि आज डेट क्या है। वर्ल्ड कप 2020 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मैच है, और गुड न्यूज़ ये है कि बारिश के इम्कान जो है ना वहाँ पर ख़त्म हो गए, वरना बारिश हो जाती है ना तो मज़ा नहीं आता। वैसे भी जो क्रिकेट मैच का सीन है उसमें एक्साइटमेंट ना थोड़ी सी कम हो गई है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इंडिया के ऑलरेडी इतने सारे मैचेस हो गए, हमेशा जब मैच शुरू होता है तो मज़ा आता है, बट वो वाली जो एक्साइटेड होती है ना, जो बोलते हैं पाकिस्तान इंडिया का मैच स्टार्ट होने वाला है और फिर देखेंगे, तो वो वाला हिसाब नहीं है।
लो लाइट बोल रहे होते हैं ना, लो लाइट में गोप्रो का काम ज़्यादा मज़ेदार नहीं होता, बट ये वाली जो लाइट्स है ना इसमें काम बहुत अच्छा हो रहा होता है। जो दिन का टाइम है, शाम का टाइम भी हो रहा होता है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो गोप्रो अपना साथ छोड़ रहा होता है। बट अभी ये प्लस पॉइंट ये है कि गोप्रो का रिजल्ट आप लोगों के सामने, बैक साइड पे आप लोगों को सन के शेड नज़र आ रहे होंगे, अभी थोड़े से ब्लैक भी आ रही होगी, वरना आप लोग जो है ना नॉर्मली जब सन, अब ये वाला फील जो आएगी ना इसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट वाला सीन है। तो एडजस्टमेंट जैसे ब्राइटनेस हो गई इसकी, वो ऑटोमेटिकली खुद से सेट करता है। अब मैं थोड़ी सी अंधेरी वाली जगह में आया तो थोड़ा सा इसने टाइम लिया है, उसके बाद आगे इसने एक अलग ही फ्रेम सेट कर दिया है। सो ओके, गोप्रो से ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल ऐसे हो जाता है कि इसको हैंड कैरी करना है, हैंड कैरी करने के लिए इसका ट्राइपॉड लाजमी है। ट्राइपॉड के बिना ये गोप्रो ना यूज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इसका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो इसके लिए ट्राइपॉड लाजमी चाहिए होता है। शुरू में मैंने आप लोगों को जो दिखाया ट्राइपॉड, उसी ट्राइपॉड में भी ये सेट है और उसी ट्राइपॉड से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बट आपको कभी भी अगर GoPro लेना है तो हमेशा ना GoPro के साथ साथ इन ट्राइपॉड का और बाकी सारी चीज़ों को भी ना कैलकुलेट करते हुए चलना। इसकी दो या तीन बैटरी का जो चार्जर है वो अलग से हो गया, ट्राइपॉड अलग से हो गया है और मीडिया माउथ अलग हो गया है, क्योंकि ये लोग कंपनी वाले इतने होशियार होते हैं, जब भी कोई चीज़ बनाते हैं ना तो हमेशा उसका साइज़ डिफरेंट रखते हैं। अब GoPro 7 और 8 का जो साइज़ है ना वो डिफरेंट है, और 9 और 10 का जो साइज़ है वो डिफरेंट है, और 11 जो आया उसका साइज़ डिफरेंट है। आप मतलब इनका केस भी लोगे ना, वाटरप्रूफ केस भी लोगे, वो भी आपको डिफरेंट साइज़ का मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ना आप लोगों को बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट साइज़ की मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये लोग चाहते यही है कि हमारी जो है ना चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। आप इनकी साइट में भी जाओगे ना GoPro की ऑफिशियली, वहाँ पर एक सेक्शन होगा GoPro का, उसके बाद सारे सेक्शन जो होंगे ना वो GoPro की एसेसरीज हो गया, ट्राइपॉड हो गया, बाकी सारी चीज़ें हो गई, इन सब के सेक्शन होते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और जो कि इनका मुझे ऐसा फील होता है कि प्रॉफिट मार्जिन ना इनका उसमें ज़्यादा होता है। एसेसरीज अगेन आपको बता रहा हूँ, इसका मीडिया माउथ हो गया, इसका केस हो गया, इसका वाटरप्रूफ केस हो गया, इसका ट्राइपॉड हो गया, ट्राइपॉड के भी दो तीन किस्म है इनके, और जो अंडर वाटर लेके जाते हैं उसके लिए अलग सीन है। तो ये GoPro का है कि इसमें ये लोग बहुत ज़्यादा ना इन चीज़ों में कमाते हैं। मोटो ब्लॉग का भी मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, वो मुझे वापसी बनानी पड़ेंगी। तो मसला ये आया है कि मेरे माइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ गई, मैंने पूरा शूट करा, उसके बाद मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग जो है ना वो कम्प्लीटली शूट नहीं हुई, तो ये वाला मेरे साथ मसला आ गया। मुझे एक दफ़ा वापसी उसको सेट करना पड़ेगा और वापसी मोटो ब्लॉग बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को मोटो ब्लॉग दिखाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि अब मेरी वॉइस क्वालिटी सही हो जाए, तो जल्दी से वो वाली भी चेक करके दिखा देंगे। बाकी इससे आप व्लॉगिंग कर सकते हो, ये कन्फर्म है भाई, ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं कर सकते, व्लॉगिंग कर सकते हो। बट मैं अगर इनसाइड जाऊँगा जहाँ पे लो लाइट होगी वहाँ पर ये बड़ा मसला करेगा। डे लाइट के ऊपर अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो आउटडोर की तरफ, नॉर्दर्न की तरफ, अगर मैं यही वाला व्यू सोचो नॉर्दर्न में आ रहा होगा तो बड़ा ही कोई खतरनाक किस्म का वाइट व्यू आ रहा होगा। यही साइड अगर मैं इनसाइड घर पे करूंगा ना तो वो वाली फील नहीं आ रही होगी। सही है, तो समझ गए होगे आप लोग बात जो कि व्लॉगिंग करना चाहते हैं। तो ओके यार, मेरे GoPro की बैटरी हो गई थी लो और मैं आप लोगों को ज्यादा वीडियोस दिखा नहीं पाया GoPro की, तो इसके लिए माजरत भाई, बहुत बहुत माजरत। बहरहाल अभी मैं जल्दी से आप लोगों को GoPro का आगे का रिजल्ट दे दूं। यार जो लोग देख रहे हैं ना इसको देख के बोल रहे हैं वाह यार क्या शूट आया, क्या वीडियो आई है, क्या मोटो ब्लॉग का सीन है, तो सच में भाई मोटो ब्लॉग में और दिन के टाइम पे तो भाड़ू रिजल्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। अगर कोई चाहता है कि आउटडोर शूट करे, आउटडोर जाके वीडियो वगैरह बनाए, उनके लिए मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ कि GoPro ले ले बिना झिझक। बट इसके जो साइड इफेक्ट आएंगे ना वो आप लोगों को मैं पहले बता दूँ, जो मैं निकल चुका हूँ जिन चीज़ों से। आप इसमें वीडियो बना लोगे, आपको एडिटिंग करनी हो, एडिटिंग करने के लिए आपको लाजमी सी बात है कोई ना कोई सिस्टम चाहिए, कोई ना कोई मोबाइल चाहिए जिसमें आप ला के एडिटिंग कर सको, तो वो आपको खर्चा अलग करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये, अगर आप लेते हो इसके साथ साथ आपको इसका चार्जर भी लेना पड़ेगा अलग से, क्योंकि इसके साथ पिन लगाने के बाद तो चार्जर हो जाता है, चार्जिंग अगर आप इसके साथ करते रहोगे ना तो इसका सर्किट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बेहतर ये कि इसमें से बैटरी निकालो, इसका जो बैटरी जो आते हैं जिसमें दो बैटरियाँ लग जाती हैं चार्जिंग कर देता है, वो वाले में चार्जिंग लगाओ और सुकून की ज़िंदगी गुजारो। अगर आप इसमें चार्जिंग लगाओगे तो बहुत ज़्यादा रिस्क होता है कि यार ये ना सर्किट हो जाते हैं, क्योंकि मेरा GoPro 8 था इससे पहले, वो मेरा ख़राब हो चुका है, एक्सपायर है बिल्कुल ही ना, ख़त्म हो चुका है वो। उसके बाद ये वाला ले लिया मैंने 10, GoPro 10 के साथ मैंने, अगेन आप लोगों को बताऊं, इसकी मैंने सब्सक्रिप्शन भी करवा लिया, अगर एक साल के अंदर ये ख़राब होता है, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ख़राब हो, अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं सब्सक्रिप्शन में इसको वारंटी में दे सकता हूँ और मुझे नया मिल जाएगा। सही है, अब 11 आ चुका है, 11 मैंने लेने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। अगेन आप में से किसी को अगर और वीडियोस उसकी देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसकी और वीडियो बना के दिखाऊंगा, आप लोगों को दिखाऊंगा कि GoPro को किस तरह से और यूज़ किया जा सकता है। और मैं आपको अगेन बताऊं कि मॉर्निंग से इवनिंग तक के लिए बेहतरीन है। सही है, अगर मैं अभी भी इसका शूट करूँ ना तो बेहतरीन आए। और एक चीज़ और जो कि आज मेरे साथ हुई है, मेरे पास की दो बैटरियाँ हैं, दोनों की दोनों बैटरी लो हो गई है, ये बैटरी ज़्यादा पीता है। GoPro 10 में अगर आप 1080 60 बनाओगे तो सही है, 1080 120 दबा करोगे तो ये बहुत ज़्यादा आपकी बैटरी जो है ना यूज़ करेगा। और इतनी हैवी फाइल आप सिस्टम और आप मोबाइल वगैरह में लेकर आओगे ना तो वो और ज़्यादा बहुत देर से ना इसकी फाइलें डाउनलोड होंगी। तो बेहतर ये कि 1080 60 या 1080 50 में बनाओ वीडियो और सुकून से अपनी ब्लॉगिंग करो। अगर आपको कोई और शूट करना है वो भी करो,
और जो लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं या चाहते हैं कि यार और थोड़ी सी इससे व्लॉगिंग करके दिखाऊं, आज तो मुझे थोड़ा सा अफसोस हो रहा है कि मैं कर नहीं पाया सही से व्लॉगिंग इससे, पर अगले व्लॉग में कभी होगा तो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा कि इससे व्लॉगिंग कैसे की जाती है। तो आज तक की वीडियो इतनी, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुदा हाफिज़, बाय बाय। तो वो गोप्रो से बहुत अच्छी व्लॉगिंग कर सकते हैं आउटसाइड, इनसाइड नहीं।